सो हेलो गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग एंड खास तौर पे मिस्टर ओलंपिक 2024 से जुड़ी कुछ लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स। सो गाइस, चैनल पे बने रहना एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल में हम लोग बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट जो कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हुई है एंड हम लोग पहले बात करने वाले हैं अनिक घोष भाई के बारे में। तो हम सभी लोग को पता है कि इनका जो नेक्स्ट शो है वो 2 नवंबर को होगा, जो कि होगा कजाकिस्तान में। एंड उसका जो फिजिक अपडेट है वो गाइस आप लोग देख सकते हो। अब धीरे धीरे अनिक घोष भाई शार्पर एंड हार्डर अपनी कंडीशनिंग मोड के अंदर आते जा रहे हैं। एंड इनका जो एम है, जैसे कि उन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर बात करी है कि अपनी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट कंडीशनिंग मोड के अंदर आना है। एंड ऑल्सो गाइस, आप लोग उनकी फिजिक को देख सकते हो, साइज मच इम्प्रूव्ड नहीं लगेंगे। हालांकि 19-20 का डेफिनेटली फ़र्क आप लोग को देखने को मिलेगा इन टर्म ऑफ साइज, एंड उनकी जो फुलनेस है वो भी आप लोग को इंक्रीज होती हुई नज़र आएगी। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर वो और कितना ज़्यादा शार्प एंड हार्डर होते जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आगे इनको देखना। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट जो कि होने वाला है नितिन चंडीला भाई की साइड से। तो नितिन चंडीला भाई भी अपना नेक्स्ट शो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं एंड वो मिस्टर वर्ल्ड के अंदर डेफिनेटली हम लोग को कॉम्पीट करते नज़र आ सकते हैं। ये है उनका मोस्ट रिसेंट फिजिक अपडेट जो कि आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे गाइस मेरा ये कंसर्न है, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि पिछले बीते कुछ सालों से जो नितिन चंडीला भाई की चेस्ट है वो उतना ज़्यादा इम्प्रूवड नहीं करी, खासतौर पर उनकी अपर चेस्ट। बाकी उनके आर्म्स, उनके डेल्स, बाइसेप्स एकदम प्रॉपर आप लोगों को दिखाई देंगे एंड थोड़ा सा उनको मिड सेक्शन में ही अपना वर्क करना बाकी है। बट अभी तक हम लोग को वो कंडीशनिंग देखने को नहीं मिली, वो इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली जो कि हम लोग को चाहिए। एंड वो आप सभी लोगों को पता है कि ऑफ सीजन भी बहुत कम ही करते हैं, करते हैं तो बहुत ही छोटा सा करते हैं एंड फिर नेक्स्ट वो खेलने के लिए उतर जाते हैं। वेल, आप लोग का थॉट्स हैं, ये चीज़ बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है, बट आप लोग क्या थॉट्स हैं कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं गाइस आज के अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि होने वाला है अभिलाष मनोहरन भाई के बाद में। तो प्रीवियस ईयर क्या कुछ नहीं हुआ इनके रिगार्डिंग, हम सभी लोगों को पता है। इनके फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से इन्होंने प्रो कार्ड अचीव करने के बावजूद भी अपना नॉर्मल शोज में कॉम्पीट किया जो कि IFBB रिकॉग्नाइज नहीं करती एंड उसका रिजल्ट उनका प्रो कार्ड जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया। एंड फिलहाल में वो एक अपडेट शेयर करते हैं, हालांकि कंफर्मेशन नहीं है कि उनका रिसेंट कहीं अपडेट है एंड हो भी सकता है बिकॉज अब IFBB के बहुत सारे जो कंपटीशन है वो हम लोग को देखते हुए नज़र आएंगे एंड हो भी सकता है कि उसमें कॉम्पीट करने के लिए उतरें, क्योंकि अब वो IFBB में तो कॉम्पीट करने से रहे तो मोस्टली चांसेस हैं कि अब वो हमको IFBB फेडरेशन के अंदर कॉम्पीट करते नज़र आएँ। बाकी आप लोग उनका ये जो अपडेट है वो कैसा लगा एंड क्या लगता है आप लोगों को, क्या अगर ये IFBB में रहते तो क्या इनके उसको रह सकता था, कमेंट करके बताना। अब बढ़ते हैं डायरेक्टली कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स यानी कि न्यूज़ एंड अपडेट्स के रिगार्डिंग। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एरिक वाइलबर्गर के बारे में। तो ये भी कॉम्पीट करने वाले हैं इस साल के मिस्टर ओलंपिया के अंदर एंड फिलहाल में गाइस वन डे आउट यानी कि आज से एक दिन पहले की ये जो उनकी फिजिक है वो आप लोग देख सकते हो एंड ऑलमोस्ट आप लोग समझ सकते हो इसको 1 वीक्स आउट की फिजिक। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो कितने ज़्यादा डिप्लीटेड होते जा रहे हैं, हार्डनेस उनकी नेक्स्ट लेवल रीच करती जा रही है। बट गाइस हमने जैसे कि देखा कि जैसे जैसे वो अपने कंडीशनर मोड के अंदर आते हैं, जैसे जैसे वो अपने कटिंग करते हैं, उनकी मसल जो है वो काफ़ी लॉस होना स्टार्ट हो जाती हैं एंड वो एक थोड़ा सा वीक पॉइंट रहता है कि कटिंग फेज में वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मसल्स को लूज कर देते हैं। बट देखते हैं कि काफ लोडिंग के बाद में उनकी जो मसल फुलनेस है वो क्या रहती है एंड फिर कैसा पैकेज उनका रहता है फाइनल। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि होने वाली है ब्रांडन करी के बारे में। तो ब्रांडन करी की साइड से एक इंटरेस्टिंग अपडेट्स आउट हुआ है। तो रिसेंट में गाइस उनके कोच जो कि अब्दुल नाय, हम सभी लोगों को पता है जो कि ऑक्सीजन जिम में है एंड उन्होंने हम लोग को बताया कि ब्रांडन करी ने इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए भी 3 मंथ की ओनली प्रैप करी थी एंड जैसे कि उनके प्रीवियस कोच भी हम लोग को ये बताते थे कि ब्रांडन करी लास्ट टाइम मिस्टर ओलंपिया के लास्ट टाइम पे आते थे एंड बोलते थे कि मेरे को ओलंपिया के लिए तैयार कर दो, तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर ऑफ सीजन वगैरह एंड बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बट थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर आप चाहो कि आपको कोई कोच रेडी कर दे वो थोड़ा सा अनएप्रोप्रिएट लगता है, बट अभी भी उन्होंने 3 मंथ की ओनली प्रैप करी है इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए एंड उसके बावजूद आप लोग देख सकते हो। हाँ, रिजल्ट डेफिनेटली हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ब्रांडन थोड़े से इम्प्रूवड हैं इन टर्म ऑफ साइज, कंडीशनिंग के बारे में पता नहीं, बाकी देखते हैं फाइनल पैकेज उनका इस बार कैसा रहता है। फिलहाल के लिए गाइस हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि होने वाला है राफेल ब्रांडाओ के साइड से।
तो इनकी साइड से तो भाई बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एंड हिलेरियस अपडेट अब सामने आते जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम आता जा रहा है ओलंपिया का पास में, वैसे ब्रांडाउ एक नेक्स्ट लेवल रीच करते जा रहे हैं अपनी फिजिक के अंदर। उनकी प्रीवियस अपडेट के अंदर हम लोग बात करी, उनके शोल्डर राउंडर हो चुके हैं एंड जो उनके शोल्डर टू बाइसेप्स जो लाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हम लोग को दिखाई दे रही है। एंड स्टिल अभी ये उनके 6 डेज आउट का जो अपडेट है वो आप लोग गाइज देख सकते हो, वो कितनी ज़्यादा हार्डनेस को शो कर रहे हैं एंड कितनी ज़्यादा फुलनेस भी अभी भी हम लोग को स्टिल नज़र आ रही है। एंड आप लोग सोचो ये अभी डिप्लीशन मोड के अंदर है एंड डिप्लीटेड होने के बाद में जब वो काफ्स लोडिंग करेंगे तो उनकी बॉडी क्या ही रेस्पॉन्स करेगी। एंड लगता है गाइज इनको देखने के बाद में कि हाँ इस साल डेफिनेटली राफेल थोड़ा सा चार्ट डेफिनेटली चेंज करते हुए हम लोग को इस साल के मिस्टर ओलंपिया के अंदर नज़र आ सकते हैं। वेल आप लोग का थॉट्स एंड ओपिनियंस हैं कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट जो कि होने वाला है रमोन दिनो की साइड से। तो रमोन दिनो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में, क्या वो टॉप 2 फिर से अचीव कर पाएंगे, क्या वो वेस्ली विजर्स को दोबारा से हरा पाएंगे या फिर नहीं। बट वेस्ली ने तो इसके रिगार्डिंग जवाब दे दिया कि रमोन उनको फिर से नहीं हरा सकते, लेकिन रमोन अभी भी साइलेंट है एंड अपने फिजिक से जवाब दे रहे हैं। ये रिसेंट का अपडेट आप लोग देखो, इतना ज़्यादा हार्डर, इतनी ज़्यादा डिप्लीटेड हम लोग को वो कभी नज़र नहीं आए जितना कि अभी नज़र आए। आप लोग उनके शोल्डर देखो, कितना ज़्यादा क्रेजी लुक अभी डेफिनेटली हम लोग को दिखाई दे रहा है। एंड पास्ट अपडेट्स भी हमने उनके कुछ ऐसे ही देखे थे एंड इतना अब श्योर हो गया कि रमोन अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट पैकेज इस साल के ओलंपिया में हम लोग को दिखा सकते हैं। एंड फिर ये देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि उस पर्टिकुलर डे पे कौन सुपीरियर लगेगा, वेस्ली या रमोन। कमेंट्स करके बताना आपके क्या थॉट्स हैं। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि होने वाला है IIBP थैनोस के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि इन्होंने अपने राहुल फिटनेस भाई को हरा के अपना जो क्वालिफिकेशन इस साल का वो अचीव किया था टोक्यो प्रोशो के अंदर। फिलहाल में ये अपनी बैक अपडेट देते हैं जो कि उस टाइम पे भी वीक थी एंड स्टिल यहाँ पे भी वो उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाए, हालांकि उतना ऑब्वियसली उनको उतना टाइम नहीं मिला। बट यहाँ पे आप लोग उनकी बैक देख सकते हो, यहाँ पे एक क्रेजी लुक डेफिनेटली आप लोग को दिख रहा है। उनके लैट्स जो कि उनकी जान है बैक की, वो आप लोग देख सकते हो काफ़ी बिगर हैं, उनके लोअर लैट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। बट गाइज फ्लॉज उससे भी कहीं गुना ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कोई भी डिटेलिंग शो करते हुए वो नज़र नहीं आ रहे। एंड आप लोग उनके मिड डेल्स एंड रियल डेल्स देखो, वो कोई भी ज़्यादा डिटेलिंग शो करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो क्या लगता है 16 प्लेसिंग फिर से आ रही है, कमेंट्स करके बताना। फिलहाल में गाइज हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि होने वाला है वैरोस तबानी। एंड इनकी साइड से बहुत ही सैड न्यूज़ निकल के आ रही है। एंड जैसा कि हम सभी लोगों को पता है पिछले 2 सालों से उनका जो वीज़ा इशू है वो कंटिन्यूसली चल रहा है एंड इस साल भी बहुत ही सैडली गाइस मेरे को यह बोलना पड़ता है कि बैरोस तबानी इस साल भी हम लोग को मिस्टर ओलंपिक के स्टेज पर नज़र नहीं आएंगे। इस साल भी उनको वीज़ा नहीं दिया गया। आप लोग देख सकते हो स्टिल अभी भी वो कितने ज़्यादा सुपीरियर लग रहे थे, कितनी अच्छी कंडीशनिंग को शो करते नज़र आ रहे थे। एंड गाइस बैरोस तबानी के जो कोच हैं वो एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ रिवील करते हैं एंड वो बताते हैं कि बैरोस तबानी ने जो USA के लिए वीज़ा अप्लाई किया था वो किया था 23 नवंबर 2021। जी हाँ गाइस, आज से ठीक ऑलमोस्ट आप लोग मान सकते हो 3 साल पहले। एंड इस साल भी डेफिनेटली आप लोग को वो देखने को नहीं मिलेंगे एंड अभी भी 3 साल के बाद भी उनका जो वीज़ा है वो कंफर्म नहीं हुआ। तो उनके कोच का भी यही सवाल है कि क्या वो कभी मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर चढ़ भी पाएंगे, वो मिस्टर ओलंपिया कभी बन भी पाएंगे या खेल भी पाएंगे, क्या कभी उनका इतने लंबे अरसे से अटका हुआ वीज़ा कभी कंफर्म हो भी पाएगा। क्या लगता है क्या कुछ आगे होने वाला है, कुछ भी नहीं पता, बस भगवान उनकी हेल्प करे। सो ये सब उनके कहना था उनके कोच का। बाकी अब देखते हैं एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि होने वाला है टाइलर मेनियन की साइड से। तो जब भी आते हैं वो कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं एंड इस बार उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि नेक्स्ट ईयर पिट्सबर्ग पावर एंड फिटनेस फेस्टिवल है, उसमें ओपन बॉडी बिल्डिंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड उसका जो प्राइज मनी रखेंगे वो पहले ईयर वो होगा $2 लाख के आसपास। सो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो कि वहीं के अराउंड कॉम्पीट करते हैं, एक और अपॉर्चुनिटी उनको मिल चुकी है ओलंपिया में कॉम्पीट करने की एंड एक बहुत बड़ा प्राइज मनी जीतने की। बाकी सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर तो सिर्फ इतनी अपडेट्स थे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो बॉडी बिल्डिंग अपडेट को सब्सक्राइब करके बैनर्स को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना।